गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अनिल के शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओरेकल टेक इंडिया। और आज हम यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे यूनिक्स या फिर लाइनेक्स में इको कमांड का प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे। तो यहाँ पे जो है इको कमांड का जो फर्स्ट यूज है वो देखेंगे। तो इको कमांड का जो फर्स्ट यूज है वो है डिस्प्ले ए मैसेज ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट। तो आउटपुट में हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके टाइप करना है इको और डबल इन्वर्टेड कोमा में जो मैसेज प्रिंट कराना है उस मैसेज को टाइप करके सिंपली एंटर प्रेस करेंगे। तो आइए इसको करके देखते हैं। तो ये हमारा यूनिक्स या फिर लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे एक मैसेज को प्रिंट कराएंगे। तो इसके लिए सिंपली टाइप करना है इको और डबल इन्वर्टेड कोमा में एक मैसेज टाइप करना है वेलकम टू ओरेकल टेक इंडिया और इन्वर्टेड कोमा को क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक मैसेज प्रिंट हो गया है वेलकम टू ओरेकल टेक इंडिया। तो ये था इको कमांड का फर्स्ट यूज। अब क्लियर कमांड से इसको क्लियर कर लेते हैं। तो सी एल ई ए आर और इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि इको कमांड का सेकेंड यूज क्या है। तो इको कमांड का जो सेकेंड यूज है वो है टू गेट द आउटपुट इन ए न्यू फाइल। तो जो भी मैसेज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो मैसेज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे विजिबल ना हो करके वो मैसेज एक नई फाइल में जा करके सेव हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके टाइप करूँगा इको और जो भी मैसेज प्रिंट कराना है उसको डबल इन्वर्टेड कोमा में रखूँगा हेलो टेक्निकल वर्ल्ड, ये मैसेज प्रिंट कराना है मुझे। और ये वाला मैसेज जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो है विजिबल नहीं होना चाहिए। ये मैसेज जा करके test.txt नाम के फाइल में सेव कर दे और test.txt नाम जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसको क्रिएट भी कर दे। तो आइए इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे इको डबल इन्वर्टेड कोमा में रखेंगे हेलो टेक्निकल वर्ल्ड, डबल इन्वर्टेड कोमा को क्लोज कर देंगे और ये जो है सिंगल शिफ्ट वाले सिंबल को यहाँ पे टाइप करेंगे और एक फाइल का नाम दे देंगे test.txt। ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, ये फाइल क्रिएट करके हेलो टेक्निकल वर्ल्ड का जो मैसेज है ये इस फाइल में सेव कर देगा। तो इसके बाद फिर एंटर प्रेस करनी है। तो ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो ये जो है हेलो टेक्निकल वर्ल्ड का जो मैसेज है ये test.txt नाम के फाइल में जा करके सेव हो गया है। अब इसको चेक कैसे करेंगे, तो इसके लिए यूनिक्स में एक कमांड है cat कैट, कैट कमांड को टाइप करके इसके बाद जिस भी फाइल का कंटेंट्स देखना है उस फाइल का यहाँ पे नाम टाइप करेंगे। तो test test.txt ये हमारा फाइल है और इसको मैंने टाइप कर दिया। अब एंटर प्रेस करनी है तो ये कर दिया मैंने। तो test.txt नाम के फाइल में हेलो टेक्निकल वर्ल्ड यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये था इको कमांड का सेकंड यूज। क्लियर कमांड से इसको क्लियर कर लेते हैं। तो अब देखते हैं कि इको कमांड का थर्ड यूज क्या है। तो टू अपेंड द आउटपुट टू ए फाइल test.txt। अब जो है
इको कमांड का जो थर्ड यूज है उसमें क्या करना है मुझे कि टेस्ट डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज को मैं टेस्ट डॉट टी एक्स टी नाम के फाइल में अपेंड करना चाहता हूँ, एक मैसेज को और टेस्ट डॉट टी एक्स टी नाम के फाइल में सेव करना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या करना है मुझे, यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके टाइप करना है इको और डबल इन्वर्टेड कोमा में जो मैसेज प्रिंट कराना है वो डबल शिफ्ट का साइन और टेस्ट डॉट टी एक्स टी। इस फाइल में मुझे वेलकम टू ओरेकल टेक इंडिया का जो मैसेज है वो अपेंड करना है, सेव करना है। तो आइए इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे सिंपली जो है टाइप करनी है इको डबल इन्वर्टेड कोमा में एक मैसेज टाइप करना है, वेलकम टू ओरेकल टेक इंडिया और डबल शिफ्ट 1 2 और फाइल का जो नाम है टेस्ट डॉट टी एक्स टी और अब एंटर प्रेस करनी है। तो ये कर दिया मैंने। तो ये वेलकम टू ओरेकल टेक इंडिया नाम का जो मैसेज है टेस्ट डॉट टी एक्स टी नाम के फाइल में, जो फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है, टेस्ट डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है और इसमें एक मैसेज भी पड़ा हुआ है वो है हेलो टेक्निकल वर्ल्ड। तो इसी वाले फाइल में वेलकम टू ओरेकल टेक इंडिया नाम के मैसेज को क्या कर देगा, सेव कर देगा, अपेंड कर देगा। चलिए इस टेस्ट डॉट टी एक्स टी नाम के फाइल को एक बार चेक कर लेते हैं कि इसमें वेलकम टू ओरेकल टेक इंडिया नाम का मैसेज आया है या नहीं आया है। तो सिंपली इसके लिए हम टाइप करेंगे कैट और फाइल का नाम TEST टेस्ट डॉट टी डॉट टी एक्स टी और एंटर प्रेस करेंगे। तो हेलो टेक्निकल वर्ल्ड ऑलरेडी इसमें था और दूसरा मैसेज जो हमने अपेंड किया है वो है वेलकम टू ओरेकल टेक इंडिया, तो ये यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये था इको कमांड का थर्ड यूज, इसको क्लियर कर लेते हैं। ये कर दिया मैंने। तो अब देखते हैं कि इको कमांड का फोर्थ यूज क्या है। तो इको कमांड का जो फोर्थ यूज है वो है डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ यूजर डिफाइंड वेरिएबल लाइक द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एक्स इक्वल टू 10। अब मुझे क्या करना है कि एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल का मतलब है कि कोई भी एक वेरिएबल, लेट सपोज एक्स वाई जेड, किसी में भी एक वैल्यू को डाल करके मुझे उस वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे देना है और उसमें एक वैल्यू असाइन करनी है। तो मैंने एक्स नाम के वेरिएबल में 10 वैल्यू असाइन कर दिया है और इसके बाद फिर इको जो है कमांड को टाइप करके डबल इन्वर्टेड कोमा में एक मैसेज टाइप करना है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, और जिस भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है उस वेरिएबल के साथ डॉलर का साइन पुट करना है, तभी ये वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराएगा। तो आइए इसको भी करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, एक एक्स नाम का वेरिएबल ले लिया, इसमें 10 वैल्यू को असाइन कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। एक्स में 10 जो है वैल्यू असाइन हो गई है, अब मुझे इसे प्रिंट कराना है। तो इको डबल इन्वर्टेड कोमा में द वैल्यू ऑफ एक्स इज, डबल इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करना है और स्पेस डॉलर और एक्स और एंटर प्रेस करनी है। तो ये हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10। तो ये था इको कमांड का फोर्थ यूज, तो इसको क्लियर कर लेते हैं। ये कर लिया मैंने। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इको कमांड का फिफ्थ यूज क्या है। तो इको कमांड का जो फिफ्थ यूज है वो है यूज ऑफ न्यू लाइन, यूज ऑफ न्यू लाइन स्लैश एन इन इको कमांड।
तो इको कमांड को यूज़ करके हम जो भी मैसेज प्रिंट कराना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि उस मैसेज के बाद जो भी वैल्यू प्रिंट होगी वो नेक्स्ट लाइन में वो वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है, यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके टाइप करना है इको, और इको के साथ जो है हाइफन ई, डबल इन्वर्टेड कोमा में एक मैसेज, और इसी डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, और इसके बाद एक्स की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए डॉलर एक्स। तो इसको करके देखते हैं। तो सिंपली क्या करना है, हमें इको टाइप करनी है हाइफन ई, डबल इन्वर्टेड कोमा में एक मैसेज, द वैल्यू ऑफ एक्स इज स्लैश एन, डबल इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करना है, स्पेस डॉलर एक्स। अब एक्स की जो वैल्यू है सेम लाइन में प्रिंट नहीं होगी, बल्कि एक्स की जो वैल्यू है स्लैश एन की वजह से नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी। तो ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो ये आ गया यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ एक्स इज नेक्स्ट लाइन में 10 वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई है। तो ये था यूनिक्स कमांड का, जो है इको कमांड का 5th यूज। इसको क्लियर कर लेते हैं, ये क्लियर कर लिया। अब जो है नेक्स्ट देखते हैं इको कमांड का नेक्स्ट यूज क्या है। तो नेक्स्ट यूज जो है, इको इज यूज्ड इन ए शेल स्क्रिप्ट टू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द टर्मिनल। तो यहाँ पे जो है, जब हम यूनिक्स में कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो एक मैसेज प्रिंट कराते हैं कि एंटर द फाइल नेम, फाइल का नाम एंटर कीजिए। तो इस तरह से मैसेज को प्रिंट कराने के लिए हम इको कमांड को यूज़ करके भी इस तरह के मैसेज को प्रिंट करा सकते हैं, जिसमें हम यूज़ करेंगे स्लैश सी। बट इको कमांड का जो है यूज़ ज़्यादा ना हो करके इसके जगह पर प्रिंट एफ कमांड का ज़्यादा यूज़ होता है, जबकि इको और प्रिंट एफ कमांड दोनों का यूज़ लगभग लगभग यहाँ पे स्लैश सी के साथ सेम ही है, बट प्रिंट एफ कमांड को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो चलिए इसको भी करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो है टाइप करना है इको हाइफन ई, और डबल इन्वर्टेड कोमा में हमें टाइप करना है एंटर द फाइल नेम, और इसके बाद जो है स्पेस स्लैश सी, और डबल इन्वर्टेड कोमा को हम क्लोज कर देंगे और इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। तो ये आ गया एंटर द फाइल नेम। तो इस तरीके से हम यूनिक्स की जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें इस तरह से मैसेज को प्रिंट कराने की ज़रूरत होती है कि एंटर द फाइल नेम, और इसके बाद फाइल का नाम देते हैं, तो फिर वो उस प्रोग्रामिंग में उस फाइल का यूज़ होता है। तो हम जो है इस तरीके से मैसेज को प्रिंट करा सकते हैं स्लैश सी को यूज़ करके। बट इसमें जो है यूनिक्स यूनिक्स में ये वाला जो मैसेज है, हम इको कमांड के साथ ज़्यादा यूज़ ना करके हम प्रिंट एफ कमांड के साथ ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो प्रिंट एफ के साथ कैसे यूज़ करेंगे, तो सिंपली इसके लिए क्या करना है, टाइप करना है प्रिंट एफ, और इसके बाद स्पेस डबल इन्वर्टेड कोमा में टाइप करना है एंटर द फाइल नेम। सेम बिल्कुल ऊपर वाला ही टाइप करेंगे, और ये मैंने ऊपर वाला ही सेम टाइप कर दिया, और एंटर प्रेस करेंगे, एंटर द फाइल नेम ये आ गया। तो इस तरीके से जो है यूज होता है। तो ये था इको कमांड का जो है 6th यूज।
अब देखते हैं कि इको कमांड का सेवेंथ यूज क्या है, इसको क्लियर कर लेते हैं। तो इको कमांड का जो सेवेंथ यूज है वो है यूज ऑफ टैब स्पेस स्लैश टी इन इको कमांड। अब मुझे क्या करना है कि इको कमांड को यूज करके एक मैसेज प्रिंट कराना है, लेकिन उस मैसेज के बीच में मैं चाहता हूं कि स्पेस ना आ करके टैब वाला स्पेस आ जाए। टैब वाला स्पेस का मतलब है कि जब हम टैब को प्रेस करते हैं लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, तो जितना स्पेस टैब में आता है उतना ही स्पेस जो है मैसेज में आ जाए। तो इसके लिए जो है हम स्लैश टी जो है इको कमांड के साथ यूज करते हैं। तो आइए इसको भी करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो है मुझे टाइप करनी है इको हाइफन ई डबल इन्वर्टेड कोमा में एक मैसेज है इको इको और बीच में स्पेस नहीं देना है स्लैश टी। तो स्लैश टी का मतलब टैब वाला स्पेस इसके बीच में शो करेगा, स्लैश टी इसके बाद कमांड, फिर जो है स्लैश टी इज, फिर स्लैश टी गुड, फिर स्लैश टी और ये कमांड, और डबल इन्वर्टेड कोमा को मैंने क्लोज कर दिया है। तो जो भी मैसेज प्रिंट कराना है उसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं देना है, बस हर वर्ड के बीच में हमें बैक स्लैश को टाइप करके उसके साथ टी टाइप करना है टैब स्पेस के लिए। तो ये मैंने टाइप करके एंटर को प्रेस कर दिया। तो ये जो है इको कमांड इज गुड कमांड, तो इसके बीच में जो है टैब का स्पेस जो है ऑटोमेटिकली आ गया है। तो ये था इको कमांड का नेक्स्ट यूज, इसको क्लियर कर लेते हैं। तो अब देखते हैं कि इको कमांड का लास्ट यूज क्या है। तो टू प्रिंट ऑल फाइल्स और फोल्डर्स इन यूनिक्स। अब मैं चाहता हूं कि यूनिक्स में जितने भी फाइल्स या फोल्डर्स है वो सारा जो है डिस्प्ले हो जाए, दिख जाए। तो इसके लिए यूनिक्स में एक कमांड है एलएस कमांड, जो आगे के लेक्चर में मैं दिखाऊंगा करके। तो उस एलएस कमांड से हम लिस्टिंग ऑफ ऑल फाइल्स कर सकते हैं, मतलब सारे फाइल्स को हम देख सकते हैं। तो सेम वही चीज जो है हम इको कमांड से भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके टाइप करना है इको, और इको के साथ एस्ट्रिक टाइप करना है। तो एस्ट्रिक टाइप करने के बाद जो है जितनी भी फाइल्स होगी वो फाइल्स डिस्प्ले हो जाएगी, या फिर इको कमांड के साथ एस्ट्रिक और एस्ट्रिक के साथ डॉट टीएक्सटी टाइप करेंगे तो डॉट टीएक्सटी नाम की जिस फाइल का एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी है वो सारी फाइल शो हो जाएगी। तो इसको करके देखते हैं। तो सिंपली टाइप करना है इको और इको के बाद स्पेस और एस्ट्रिक टाइप करनी है। तो ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो ये जो है ये सारे फाइल्स के नाम है ये, तो इसने सारे फाइल्स जितनी भी है, जितनी भी फाइल्स है उन सारी फाइल्स को इसने डिस्प्ले करा दिया है। अब जो है मैं चाहता हूँ कि जो TXT नाम की जितनी भी फाइल है सिर्फ वही शो करे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इको डॉट सॉरी इको एस्ट्रिक डॉट TXT ये टाइप करके और जो है एंटर प्रेस करूँगा। तो ये हमारे पास TXT एक्सटेंशन वाली जो फाइल है वो दो है, टेस्ट डॉट TXT और TT डॉट TXT। तो ये था इको कमांड का ओवरऑल यूज़, इसको क्लियर कर लेते हैं और एंटर। तो ये क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमने इको कमांड के जो है आठ यूज़
देखा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।